बेटर एंड मोर कंफर्टेबल इस हवाले से देर आर डिफरेंट थिंगस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन इमोशनल कॉन्टेक्सट जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एम्पथी सोशल इंटेलिजेंस मोटिवेशन इन तमाम एस्पेक्ट्स के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हमने अपने जज्बा को इजहार में किस तरीके से लाना होगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू सेंटेंसेस आते हैं द फर्स्ट सेंटेंसेज that the intro of the commercial needs to be redone i'm sure that's the client's doing and you'll handle it warm regards the second sentence is i'm very happy with your work so far i think the intro could be improved though would you mind giving it another shot up agar hum in dono jumlo ko dekhen to in dono context mein basically तो बात तो एक ही हो रही है लेकिन दोनों जुमलों का ऑफ एप्लीकेशन एंड वो डिफरेंट है एक तरफ आप दूसरे को कसूरवार बना रहे हो और दूसरी तरफ आप एक एनवायरनमेंट ऐसी बना रहे हो अपने अल्फाज ऐसे चूज किए कि जिसमें के, जिस के आपका कहना कि उसके काम में कोई गलती थी इट इज मॉडरेटेड अब हमें ये देखना होता है कि हम बफर जोन कैसे क्रिएट करते हैं हम एक सवियर मैसेज को वो टेलर डाउन कैसे करते हैं इन टू मोर अंडरस्टैंडेबल वे हम किस तरीके से अल्फाज को ऊपर नीचे करके अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर बनाकर बात के अंदर असर वो ज्यादा क्रिएट वो कर सकते हैं सो so, कम्युनिकेशन के अंदर ये बात बहुत अहम होगी कि आप बाज़ात स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात कर दें तो स्टेट फॉरवर्ड बात करने से बात कम्युनिकेट तो हो जाएगी लेकिन साथ नाराजगी भी क्रिएट हो सकती है सो so, बात हमें कुछ कुशन देना पड़ता है हमें बाजूकात चैनल रिचनेस को यूज करना पड़ता है हमें कॉन्टेक्स चेंज करना पड़ता है डिफरेंट तरीकों से आप बात वही रखोगे उसका मायने वही बनेगा लेकिन इजहार के तरीके से आप उसके अंदर असर ज्यादा क्रिएट वो कर सकते हो याद रखें वेन वी टॉक अबाउट इमोशन एंड वी हैव टू स्टेट अवर इमोशन इन ए मीनिंगफुल मैनर सो बाजात ये होगा कि हम अपने आप को किसी जज्बे के साथ किसी एक्सप्रेशन के साथ किसी मायने के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट कर लेते हैं और हम फेल हो जाते हैं ये जानने और मानने के लिए कि दूसरा शख्स भी ऐसा साथ रखता है हम यहाँ पर अक्सर औकात एट्रीब्यूशन एरर भी कर देते हैं और उस एट्रीब्यूशन एरर में हम ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं अगले शख्स की एफर्ट और इंपॉर्टेंस को Therefore, याद रखिएगा कि हमें एट्रीब्यूशन एरर से भी बचना है दूसरे शख्स की सोच क्या है इसको भी समझना है Another important thing is, कि जब हम लोगों के साथ ताल्लुक बना रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट का फैक्टर बहुत अहम है और उस ट्रस्ट को अंडरस्टैंड किए बगैर मामले की नज़ाकत को समझे बगैर अपने रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझे बगैर अक्सर हम कम्युनिकेशन के अंदर एरर्स वो कर जाते हैं Therefore, याद रखें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे अहम अमर यह है कि हम अपने ट्रस्ट को अंडरस्टैंड करें डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि हमें दूसरे के जज्बात को ना अंडर एस्टिमेट करना है ना ओवर एस्टिमेट करना है और हमें यह समझना है कि हम जब तालुकात और मामलात में डील कर रहे हैं लोगों के साथ तो हम एहसन तरीके से किस तरह से रिएक्ट करें अल्फाज का चुनाव बात का इजहार उसमें असर क्रिएट करने के लिए ट्रस्ट को बिल्डअप करना अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम हैं